पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में एसडीओपी कर्णिक श्रीवास्तव ने ठगों को दिखाई हवाला। संवेदनशील पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के कुशल नेतृत्व भांडेर एसडीओपी कर्णिक श्रीवास्तव ने किया बड़ी ठगी का खुलासा। ग्रामीण जनों के खातों में अवैध रूप से ट्रांजैक्शन करने वाले गिरोह के सदस्यों के बैंक कर्मचारी ही देते थे खातों की जानकारी। 8 महीने से भांडेर झांसी क्षेत्र में गिरोह सक्रिय था और वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को दिखाया हवालात का रास्ता। बता दें कि यह गिरोह भांडेर व झांसी में लगभग 8 माह से सक्रिय था। इससे पहले अन्य जिलों में गिरोह सक्रिय रहा है। पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा ने बताया कि बैंक खातों में लगभग 3 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसमें आरोपियों से पूछताछ करने पर 1,10,00,000 रुपए की राशि को सीज कर दिया गया था। यह ऑनलाइन गेमिंग व फ्रॉड का पैसा होने की संभावना है। उसको शासकीय योजनाओं का कुछ पैसा दिलाने के नाम पर एक खाता खुलवाया गया, बाद में उसे उस खाते के अगेंस्ट में 3,000 रुपये भत्ते के नाम पर मिलते थे, ये शासकीय योजनाओं का लाभ है। इसी दौरान उसके पास बैंक के अधिकारी KYC करने पहुंचे तो उसे पता चला कि उसके खाते में करीबन 50 से 56 लाख का पिछले 2-1 महीने में ट्रांजैक्शन हुआ है। इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं। इसकी जब शिकायत उसने पुलिस से करी तो उसमें हमारे साइबर सेल ने बहुत मेहनत करी और उसमें डेवलप किया, उसमें ये बात पता चल के आई है जो जब्तियाँ हुई हैं उसमें करीबन 80 ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स हैं, करीब 81 से ज़्यादा चेकबुक और पासबुक और खातों की डिटेल है, बहुत सारी फर्जी सिम कार्ड हैं, बहुत सारे मोबाइल हैं और POS मशीन है और करीबन 3 करोड़ रुपए का इसमें इस तरह की जालसाजी लोगों से की गई है। इसमें 3 तरह की जालसाजियों से इनकार नहीं किया जा सकता। एक जो ऑनलाइन बेटिंग होती है उसका, दूसरा जो फ्रॉड किए जाते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड वो, और तीसरा जो आरोपी है वो बहुत शातिर दिमाग है, इसी तरह के पैसे को वो ठिकाने लगाने का काम करता है। उसके पास से कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बुक्स भी मिली हैं जिसके माध्यम से वो शेयर बाजार में और अन्य जगह पैसा लगाता है, लोगों को पैसे को इधर से उधर, जिसे सामान्य लैंग्वेज में हवाला कहा जाता है, उस तरह की गतिविधियों में सम्मिलित करता है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो एक मुख्य आरोपी है और उसके साथ दूसरा व्यक्ति जिसने इसे ये जो फर्जी सिम कार्ड है ये उपलब्ध कराए थे। पूरी घटना में अभी तक करीबन 80 से 90 लाख रुपए तक की जानकारी हम लोगों ने फ्रीज करा दी है, जो खातों में फ्रीज कर दी गई है और ये जानकारी ऐसे ही गरीब लोगों का पैसा है जो इधर से उधर किया जा रहा था। टोटल इसमें हिसाब जो हम लोग को अभी उसके रजिस्टर से प्राप्त हुआ है वो 3 करोड़ से ज़्यादा का है, जिसके संबंध में अभी हम और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, परंतु कुछ पैसा उनके द्वारा पूर्व में जो खाते आप लोग देख रहे हैं उनके माध्यम से इधर उधर साइकिल ऑफ किया गया है, इसको विवेचना का पार्ट लिया जाएगा। बट अभी 80 से 90 लाख रुपये हम लोग फ्रीज करने में हमें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इसमें एक आरोपी जो गिरफ्तार किया गया है उसमें सिम कार्ड देने के नाम पर, कोई व्यक्ति जब ग्राहक सिम खरीदने जाता है तो एक बार अंगूठा लगा के दोबारा अंगूठा लगवाता है कि आपकी सिम एक बार में इशू नहीं हो पाई और उसकी बेसिस पे एक फर्जी सिम इशू करा के ये जो अपराधी है उसको उपलब्ध कराता है, जिसके संबंध में उसे पैसा दिया जाता है। इसमें अन्य कुछ आरोपी हैं जिनकी अभी हम लोग तलाश करेंगे, दुष्यंत यादव, रविंद्र यादव, ऋषभ यादव और दुबराज यादव, ये सभी हाल फिलहाल झांसी के निवासी हैं परंतु अलग अलग जगह पर रहने वाले हैं। ये जो 81 खाते प्राप्त हुए हैं ये केवल ना तो केवल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के हैं बल्कि अन्य प्रदेशों के भी हैं। इसमें कई जगह के लोगों को इस तरह के शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर इस तरह की धोखाधड़ी की गई है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो हम लोगों ने अभी तक प्रारंभिक विवेचना की है, इसमें कुछ बैंक कर्मियों के शामिल होने की भी संभावना है जिनके द्वारा इन फर्जी खातों के संचालन के संबंध में उनको जानकारी दी जाती थी। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाता था वो इस खाते को होल्ड करा देते थे या खाता बंद करा देते, परंतु बैंक कर्मी और इन आरोपियों की मिलीभगत की वजह से वो डर के मारे इसके संबंध में कोई कंप्लेंट नहीं कर पा रहे। जो अभी इसमें जो हम लोगों ने जब्ती की है उसके बेसिस पर इसमें विवेचना की जाएगी। इसमें पूरी टीम ने, जिसमें एडिशनल SP साहब ने नेतृत्व में, SDOP भांडेर, थाना प्रभारी भांडेर, उप निरीक्षक श्वेता सिकरवार, अवतार सिंह यादव, मलखान छावर, अवधेश दीक्षित, अजय यादव, विकास साहू और हमारी पूरी साइबर सेल की टीम, अनिल बैगरिया, शुभम यादव और वीरेंद्र होजा, खास करके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये इसमें एक SIT का गठन किया जा रहा है जिस की साहब के नेतृत्व में और SDOP साहब के नेतृत्व में, जो लोग उसको लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और जिस लोगों का पैसा है उनको लौटाने का इसमें वैधानिक प्रयास किया है। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।